रूप ने इंसान को धोखा दिया है। एक एक शब्द पर गौर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रूप ने इंसान को धोखा दिया है, भूख ने ईमान को धोखा दिया है, पूर्ण भर की आस ले सर को झुका, भक्त ने भगवान को धोखा दिया। सही है गलत है? सही है। अब सुनिए, जब भक्त नहीं होंगे, अगर भक्त नहीं है तो भगवान की भी अदालत खाली है, उनके स्टेज भी खाली है। आप लोग इतने नहीं आते तो हम दो तीन चार भाई क्या करते, आप लोगों को सुनाने के लिए आए है ना। आप लोग नहीं रहते तो ये महफिल पूरी खाली रहती है। हमारे भगवान आप ही है। अब हमारे भगवान आप लोग हैं, प्रणाम करते हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध है इस भजन में। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, 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 जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। इसमें प्रत्येक पंक्ति में एक प्रश्न है और वो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। हर एक प्रश्न में, हर एक पंक्ति में एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप लोगों को देना है। मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, पहला प्रश्न है मेरा, उत्तर सोच लीजिए। दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं, यह प्रश्न है। संसार में बहुत दानी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी बताइए आप हैं? हाँ, और कोई कारण? क्योंकि मैं एक ही प्रश्न का उत्तर आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसमें आप पास हो जाएंगे तो आप दानवीर कर्ण। कर्ण और दधीची, और कोई माँ बाप? ये उत्तर सही है। पर और कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, तीन प्रश्न आ गए हमारे पास, ठीक है। और कोई? बहुत टैलेंट है, सबके पास उत्तर है महाराज। अब हमारा कंप्यूटर क्या कहता है पता नहीं। दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं, दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं, पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
प्रश्न है ये। सेवक तो हुए लाखों और सेवा भी करते हैं, सेवक तो हुए लाखों और सेवा भी करते हैं, पर सरवन के जैसा, पर सरवन के जैसा कोई सेवादार कहाँ होगा, पर सरवन के जैसा सेवादार कहाँ होगा, जो भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। गीत बहुत बड़ा है लेकिन मैं अंतिम मंत्र सुना रहा हूं। विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, आज बहुत विद्वान भरे पड़े हैं भारत में, विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत सारे विद्वान हैं, आप सब जानते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, विद्वान हुए लाखों 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 और ज्ञान भी देते हैं, विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, पर गुरुवर के जैसा, पर गुरुवर के जैसा कोई विद्वान कहाँ होगा, पर गुरुवर के जैसा।